लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें दो दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। और जब तुम लड़ाइयों और बलुओं की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूइंडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुम्ब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और जो गांवों में हो वे उसमें न जाएं, क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनकी कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो
कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे।